हेलो बच्चों लेट्स द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है तो सबसे पहले तो बच्चों आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पता होना चाहिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है तो बच्चों यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए ठीक है तो अवर की कंसेप्ट इज आपको एवरेज करेंट फॉर एसी पता होना चाहिए ठीक है एवरेज करंट फॉर एसी क्लियर होना चाहिए एवरेज करंट फॉर एसी इज डिफाइंड एज दैट डीसी करंट डीसी करंट विच वेन ट्रांसफर्ड विच व्हेन ट्रांसफर्ड विच वेन ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सर्किट across the circuit will produce across the circuit will produce the same amount of charge produce the same amount of charge same amount of charge that is produced by the earlier for the same duration of time okay that is yeah, that was produced

एवरेज करंट ठीक है तो एवरेज करंट क्या हो okay, गया बच्चों एसी का इट इज डिफाइंड एज दैट डीसी करंट जो बेसिकली जब आपने बेसिकली करंट फ्लो कराया तो उसने जो चार्ज बेसिकली ट्रांसफर किया वही चार्ज बेसिकली सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डीसी करंट भी हमारा क्या कर रहा है ट्रांसफर कर रहा है बेसिकली ठीक है जो एसी ने चार्ज ट्रांसफर किया एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अगर वही चार्ज एसी भी अगर हमारा जो ट्रांसफर कर रहा है तो दोनों का जो बेसिकली टाइम पीरियड निकलने का जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम बोलते हैं एवरेज करंट फॉर एसी ठीक है और एवरेज करंट फॉर एसी का एक बेसिक है वो भी मैं आपको बता देता फॉर्मुला जनरल फॉर्मला जो होता है वो होता है बच्चों नॉट नॉट सॉरी टू एवरेज करंट का होता है बच्चों पाई ऑफ ये यूज करते हैं जनरली हम ठीक है ये हमारा न्यूमेरिकल फॉर्मुला लेकिन यहाँ पे ग्राफ दे रखा है बच्चों तो ग्राफ के लिए क्या यूज करेंगे आप तो ग्राफ के लिए एक फॉर्मुला आपको यूज करना है बच्चों आई एवरेज निकालने का आई एवरेज इज इक्वस टू एरिया जिस टाइम पीरियड के लिए आप निकाल रहे हैं उसका एरिया आपको देखना है ठीक है अपॉन जो भी आपके पास टाइम है टीसी यहां पे टोटल टाइम है बच्चों ठीक तो है टोटल टाइम इंटरवल टीसी इज टोटल टाइम इंटरवल ठीक है तो चलिए ये बेसिक फॉर्मुला आपको लगाने और क्वेश्चन को सॉल्व करना ठीक है तो यहाँ पे हमको बोल रहा है जीरो से टी बाय टू के लिए जीरो से टी बाई टू के लिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चों ठीक है यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ठीक है और इस ट्राइंगल का जो बेस है बच्चों वो कितना है T बाई टू और हाइट कितनी है बच्चों I नॉट तो बस ये हम एरिया यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो I एवरेज आ जाएगा बच्चों अपने पास I एवरेज आ जाएगा एरिया कितना बताया मैंने बच्चों आपको हाफ ठीक है बेस कितना है बच्चों T बाई टू और हाइट कितनी है अपने पास बच्चों I नॉट देख सकते हैं यहाँ पे आप हाइट कितनी अपने पास I नॉट ठीक है ओके तो हाफ टी बाई टू इन आई नॉट डिवाइडेड बाई कितने टाइम इंटरवल के लिए निकालना है बच्चों को टी बाई टू के लिए इसको फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो टी बाई टू से टी बाई टू कैंसिल आई नोट बाई टू तो अपने पास आई एवरेज आ गया बच्चों कितना आई नोट बाय टू आगे बच्चों ठीक है तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार तो फर्स्ट ऑप्शन आई नोट बाय रोट टू इज इनकरेक्ट करेक्ट सेकेंड इज आई नोट बाई टू येस दिस इज द करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन भी गलत है हमारा और फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत है ठीक है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सेकेंड हो गया सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड आई होप यू अंडरस्टूड वेल ऑल द वेरी बेस्ट